नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज। बिहार में चाचा भतीजे की नई जोड़ी लगातार धमाल मचा रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी जब से साथ आए हैं बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी नेताओं के ऊपर सीबीआई की छापेमारी के बाद भी तेजस्वी यादव का रुख नर्म नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव हमला बोलते रहे। बीजेपी अपने जमाइयों के जरिए आरजेडी नेताओं को डराना चाहती है। सीबीआई के एक्शन को देखते हुए एक तरफ जहां मौजूदा सरकार के भीतर कई तरह की आशंकाएं हैं, तो वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी हर हाल में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को सबक सिखाना चाहती है। दोनों खेमे में अपने अपने तौर पर रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर राज्य के प्रशासनिक गलियारों से आ रही है। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। लाइव टेन न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों से, जी हां, आपको बता दें सूत्रों के, हमारे जो विश्वसनीय सूत्र है उनके हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बिहार के अंदर सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच सहमति भी बन चुकी है। दोनों नेताओं के बीच दो दिन पहले जब मुलाकात हुई थी तो इस बात को लेकर चर्चा हुई और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि सीबीआई की एंट्री पहले ही कई राज्यों में बंद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मेघालय, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य पहले ही सीबीआई की एंट्री पर अपने यहां रोक लगा चुके हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 गठन हुआ था। इस एक्ट के मुताबिक सीबीआई को राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में कार्रवाई के लिए अनुमति देती हैं। सभी राज्यों ने इसके लिए पहले सहमति दे रखी थी, लेकिन धीरे धीरे जब सीबीआई पर आरोप लगने शुरू हुए तो कई राज्यों ने अपनी मंजूरी वापस ले ली। अब तक 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर रोक लग चुकी है। जानकारी और सूत्रों की माने तो प्रशासनिक महकमे की तरफ से जो जानकारी आई है, माफ कीजिएगा, सीबीआई पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए क्या कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है या किसी दूसरे स्तर से आदेश जारी होता है, यह देखना होगा। लेकिन यह खबर पक्की है कि नीतीश और तेजस्वी इस बात को लेकर सहमत है कि सीबीआई की एंट्री बिहार में रोक दी जाए। आपको बता दें आरजेडी को इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार के ऊपर सीबीआई और ज्यादा शिकंजा कस सकती है, लिहाजा उससे पहले ही सीबीआई को रोकने के लिए पहल शुरू कर दी गई है।